चलिए हमें यहाँ पर आज प्रोनाउंस की ब्लैंक्स बनेंगी। प्रोनाउंस किसको कहेंगे? तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं आई वी यू ही शी दे, राइट। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं मी अस यू हिम हर इट देम। फिर पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि माई अवर योर हिज हर इट्स देयर। इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन अवर्स योर्स हिज हर्स इट्स देयर्स। अच्छा, सबका अलग अलग उपयोग है। यहाँ पर हम माया एंड राजेश आर नेबर्स ब्लैंक लिव, देखो ये वर्ब दिया है तो वर्ब के पहले हमेशा हम सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। यहाँ पे दो दिए, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है और एक दिया है पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया है। तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, यहाँ ये इसके साथ नाउन नहीं है, तो हमारा आंसर कौन आएगा? दे आंसर आएगा, दे। चलो, विराट इज अ गुड स्टूडेंट, ब्लैंक नेवर गेट्स। देखो ब्लैंक के बाद नेवर इंडिकेटिंग वर्ड है, ब्लैंक के बाद गेट्स वर्ब आया, तो वर्ब आएगा तो वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही आंसर आएगा हमारा। चलो, पॉपी इज करंस कैट, ब्लैंक इज, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे ब्लैंक इज अ पर्सन के, तो यहाँ इट सब्जेक्ट है और ये हमारा इट्स जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है। तो यहाँ पे ब्लैंक के वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, मतलब आंसर आएगा इट। चलो, माई मदर इज देयर, वेर इज, देखो यहाँ पे वेर इज वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद एक तो ऑब्जेक्ट आता है यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है या पजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ नाउन होना चाहिए, मतलब इसके साथ नाउन होना चाहिए, यहाँ नाउन दिया नहीं है तो योर से आंसर आएगा। चलो, दिस एप्पल लुक्स गुड, मतलब ये एप्पल अच्छा दिखता है, राइट। तो आई वॉन्ट टू ईट, यानी कि अब ईट के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन है? ईट है। ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है, तो यहाँ पे हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ईट आएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको समझ में आया। और एक ब्लैंक ले लेते हैं आगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो, माई हाउस इज नियर द हॉस्पिटल, राइट। माई हाउस इज नियर द हॉस्पिटल, ब्लैंक आर फार फ्रॉम द हॉस्पिटल। देखो यहाँ पे ब्लैंक के बाद वर्ब आया, मतलब सब्जेक्ट की जगह है, तो देखो यहाँ पे देयर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन चाहिए, मतलब इसके साथ नाउन नहीं वर्ब है, तो हमारा देयर से आएगा, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज कर सकते हैं, तो देयर्स, ये आंसर आया। चलो, योर टीचर इज प्रिटी बट ब्लैंक इज, देखो अगेन ब्लैंक के बाद वर्ब आया, मतलब सब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये आवर सब्जेक्ट में नहीं यूज करते, आवर्स को सब्जेक्ट में यूज करते हैं, आवर्स, मतलब ये आंसर है। आई मेट जॉन एंड ब्लैंक फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स कौन हुआ? नाउन हुआ, नाउन हुआ तो यहाँ पे कौन आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो एक सब्जेक्ट है और एक पजेसिव एडजेक्टिव, हिज आंसर। ब्लैंक वॉन्ट टू गो टू जापान, वर्ब आया, वर्ब के पहले में से सब्जेक्ट आएगा, तो ये दे हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं, तो दे आंसर आएगा। प्लीज कॉल, कॉल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी आंसर आएगा। जॉन सिट्स नियर ब्लैंक इन द क्लास, तो देखो वर्ब के बाद, वर्ब के बाद कौन आएगा? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आंसर आएगा मी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।